अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरा जो सब्जेक्ट टॉपिक जो है वह है डोरमेंसी। आज मेरे पास जो पौधे हैं गर्मियों के, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि वो डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं। तो ये है, आप देख रहे हैं चंपा। चंपा में अब कोई फूल नहीं आएंगे, फूल की तो बात अलग है, लेकिन इसके पत्ते भी देखें कैसे पीले पीले येलो कलर के हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का पौधा है, अब डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है। ठीक है, सारे पत्ते पीले होके गिरना शुरू हो जाएंगे, और ये जब फरवरी का महीना आएगा तो इसके अंदर दोबारा नए शूट्स आएंगी और नए पत्ते आएंगे और नई स्टिक आती है इसके ऊपर फूलों की, तो उसमें फूल लगेंगे। अब दूसरा जो मेरा पौधा है वो है ये, देखें सब डोरमेंट हो रहे हैं और इसके फूल बहुत छोटे हो गए हैं, थोड़े बहुत फूल हैं और छोटे हो गए हैं। और ये पाचोलिका है मॉसरोस, ये देखें इसके पत्ते देखें कितने छोटे छोटे हो चुके हैं, और हालांकि इसके अंदर अभी नई शूट्स आ रही हैं लेकिन बहुत छोटी हैं और फूलों का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है। दूसरा ये है, और तीसरा कोचिया प्लांट है। कोचिया प्लांट की हालत देखें, ये सीजनल प्लांट है, 8-10 महीने रहता है, उसके बाद मरना शुरू हो जाता है, जो ठंड पड़ना शुरू होती है और मरना शुरू हो जाता है। ये देखें, अब इसके हम सीड कलेक्ट कर लेंगे जब ये पक जाएंगे। छोटे 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 सीड्स हैं इसके अंदर, और ये बर्निंग बुश बनता चला जा रहा है, यानी कि इसके पौधों की कलर देखें आप, पत्तों का कलर, और ये इस तरह से फायरी रेड हो रहा है। तो इसी वजह से अब ये एक टाइम ऐसा आएगा पूरा जो फायरी रेड हो जाएगा और बर्निंग बुश में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब एक और प्लांट हमारे पास है गर्मियों का, इसे मिनी चांदनी कहते हैं। इसकी भी हालत कोई अच्छी नहीं हो रही है, और ये जो है फूल तो दे रहा है अभी, लेकिन ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा जब ये दिसंबर का महीना शुरू होगा। इसके फूल देखें कितने छोटे छोटे हो गए हैं, जितने फूलदार पौधे होंगे आहिस्ता आहिस्ता डोरमेंसी में चले जाएंगे, और इनकी जो है ना फूलों की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाएगी और फूल साइज़ में भी बहुत छोटे हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और मेरे पास पौधा है गर्मियों का, ये गुले अब्बास है। गुले अब्बास के देखें बीज पकना शुरू हो गए, अब ये ब्लैक हो जाएगा बीज, इसके बीज भी ब्लैक, पहले ग्रीन है ये वाले, अब ये ब्लैक हो जाएंगे। हम इसको सीड्स को रख लेंगे संभाल के, जब ग्रीन टर्न हो जाएंगे ब्लैक में, हम इसके सीड्स को उठा के संभाल के रख लेंगे, और जैसे ही फरवरी और मार्च शुरू हो जाएगा, सर्दियां जब जाने लगेंगी, तो हम इसको दोबारा इसको बो देंगे ज़मीन के अंदर। अभी ये शदीद सर्दी जब होगी तो इसकी जो टहनियाँ हैं गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके तीन तरह से इसे प्रोपेगेट किया जाता है, एक सीड के ज़रिए से, और एक जो है इसकी शाख लगा के, और तीसरा इसके अंदर जो बल्ब होंगे इसकी जड़ों के अंदर, अगर वो बच गए बल्ब तो हम इसको इसमें से दोबारा जो है ना ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी ये भी डोरमेंसी पीरियड में जा रही है, पाचुलिका या मोसरोस। तो इसकी जो शाखें हैं, ये बारीक बारीक शाखें हैं, सब गल सड़ के सूख जाएंगी और सिर्फ ये जो मोटी वाली है ये रह जाएंगी। इसको प्रिजर्व करना होगा और ऐसी जगह हमें इसको रखना होगा, सारे पौधों को जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, जहाँ धूप ज़्यादा आती है और पानी कम देना होगा। अच्छा, और एक और ये तो इसको हटा देंगे, सर्दियों का पौधा है। अच्छा, इसको ये बहुत फूलों वाला पौधा है, इसको मरवा कहते हैं उर्दू में और कामनी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सोरिटिका कहते हैं। तो ये बेले की तरह होता है ये भी, और उसके चंबेली की तरह के जो सारे खसूसियात इसकी होती हैं वही इसकी होती हैं। ये भी बहुत सफ़ेद सफ़ेद फूल आता है, और ये गर्मियों में जो है ना बहुत फलता फूलता है और बरसात के मौसम में, और सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, कोई फूल नहीं आएगा इसके ऊपर। तो इसको भी हम प्रिजर्व करेंगे
और पानी इसको कम देंगे, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, जब इसको पानी देंगे, ज़्यादा पानी दिया तो ये जो है ना ये भी गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। पौधों को डोरमेंसी पीरियड में जब जाते हैं पौधे, तो समझो वो सो रहे होते हैं, उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे पिलाएंगे तो फिर वो जाहिर है मरेंगे। तो इसी तरह से बेला है, चंपा है, चंबेली है, मोतिया है, और जैस्मिन फैमिली से जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं वो सब डोरमेंसी में चले जाएंगे। आप इसको ऐसे ही रहने दें, बस थोड़ा थोड़ा जब खुश्क हो जाए और पानी दें, और फर्टिलाइज़ भी नहीं करें इनको। एक महीना पहले उसको अच्छी तरह से हम उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। इसको तकरीबन सब पौधों को मैंने जो डोरमेंसी में जाने वाले थे, एक महीना पहले उनको मैंने अच्छी तरह से खाद दे दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कुव्वत इम्यूनिटी पैदा हो सके और वो ठंडे मौसम में सर्वाइव कर जाएँ। ठीक है, अच्छा वो हमारे पौधे मर नहीं रहे होते, हम समझते हैं ये मरना शुरू हो गए तो उनको उखाड़ के ये करके ना फेंकें, बल्कि उसको सेव कर लें, उसको कम पानी दें, कम खाद दें, और धूप ज़्यादा लगने दें उनको, और ठंडक से बचाएं। तो यही उनका इनकी प्रोटेक्शन है जब वो बाहर का मौसम आएगा, मार्च और अप्रैल में, मार्च में और फरवरी के बाद ये दोबारा अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है फिर इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ये सीड कलेक्टिंग टाइम है, ये देखें, ये जो है सीड पॉट है, ये दिख रहा है, ये काला, इसके अंदर बीज होते हैं, इसको आप कलेक्ट कर लें। ये देखें मैंने निकाल लिए हैं मेरी हथेली के ऊपर, ये काले 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 सीड्स हैं, इसको कलेक्ट करके रख लें। जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी और गर्मियां शुरू होंगी तो इन्हीं सीड्स को आप सीव कर दीजिएगा ज़मीन के अंदर या बो दीजिएगा, तो ये उगना शुरू हो जाएंगे दोबारा पौधे। और इसकी स्टिक्स, अगर ये मोटी मोटी स्टिक्स होंगी इसकी, तो ये इंशाल्लाह बच जाएंगी। कहाँ है, ये देखें मोटी मोटी स्टिक्स, ये बच जाएंगी और पतली वाली सड़ गल जाएंगी। तो इन को संभाल के रख लीजिएगा, इन पौधों को सर्दियों में किसी ऐसी जगह डाल दीजिए उठा के जहाँ पे धूप आती हो और पानी कम देना और फर्टिलाइज़र कम देना है, तो ये सेव हो जाएंगे और बच जाएंगे। जो बच जाएं उनको काट के दोबारा लगा दीजिएगा, और जो सड़े हैं उनको फेंक दीजिएगा।